तो यहाँ पे कमेंट आता है कि साइकिल के डिस्क ब्रेक में से कैसे जो है तेल रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फटाफट साइकिल को घर ले जाता हूँ और यहाँ पे कपड़े से साइकिल के डिस्क ब्रेक को मैं अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। देन आपको लेना है एक मग्गा, उसमें पानी और उसके अंदर डालना है एरियल सॉस और उसके ऊपर एक ब्रश को लीजिए और एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दीजिए जब तक ना ऐसा फोम बन जाए। देन उसी से ब्रश से आपको इस फोम को लगाना है अपने डिस्क प्लेट के ऊपर, जैसे कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ, देख लीजिए ऐसे एकदम अच्छी तरह से इसको रब कर देना है। रब करने के बाद जो है आपको डिस्क का कैलिपर को थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि डिस्क के कैलिपर के अंदर जो पैड्स होते हैं उसके अंदर भी ये सर्फ जो लग जाए। ऐसे प्रेस करके घुमाते रहना आप लोगों को। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी से एकदम इसको वॉश कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं घर में गंदगी नहीं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा पानी स्प्रे कर करके कर रहा हूँ। देन आप एक कपड़े से अपने पानी को पूरा एकदम साफ कर लेना है यहाँ पे। तो ये वाला स्टेप फॉलो करने के बाद अपने साइकिल को 1 या 2 किलोमीटर चलाना, उसके बाद देखना अपना ब्रेक जो है एकदम अच्छी तरह से लगना शुरू हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको पता है कि डिस्क प्लेट में ऐसा होल क्यों दिया जाता है तो कमेंट करके उसको जरूर बताना।